मुगल पेंटिंग्स पेंटिंग्स एज एन आर्ट को पैटर्नाइज किया वेरियस रूलर्स और वेरियस डायनेस्टीज ने, लेकिन पेंटिंग्स फाइनली अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची ओनली अंडर द रूल ऑफ द मुगल्स, जिसकी शुरुआत हुई अंडर द फर्स्ट मुगल रूलर बाबर। लेकिन मुगल एम्पायर के ह्यूज रेंज और उसकी ग्लोरी को संभालते संभालते बाबर के पास नहीं था टाइम फॉर आर्ट, इसलिए आर्टिस्टिक क्रिएशंस को प्रमोट करने के लिए बाबर ने पैटर्नाइज किया एक पर्शियन आर्टिस्ट नेम बेजाज, जिसका रिमार्केबल आर्टिस्टिक क्रिएशन है ये मुगल फैमिली ट्री। लेटर बाबर की डेथ के बाद हुमायूं ने इनहेरिट किया थ्रोन दो एट अ यंग एज, लेकिन अपनी आर्टिस्टिक एस्पिरेशंस को हुमायूं ने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। हाउएवर शेर शाह की एंट्री से मुगल आर्ट को मिला एक बहुत बड़ा ब्रेक, लेकिन थ्रोन वापस जीतने के बाद जब हुमायूं वापस आए तो अपने साथ लाए पर्शियन आर्टिस्ट अब्दुल समीद और मीर सैयद अली, जिन्होंने इंडियन आर्ट और पेंटिंग्स को पर्शियन एलिमेंट्स के साथ साथ दिया पर्शियन इन्फ्लुएंस।